बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ईशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जो दोस्त चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कर लें। पूरे पाकिस्तान से ज़रई अजनास के ताज़ा तरीन रेट के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। पंजाब गला मंडियों की ताज़ा तरीन सूरत आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज गंदम के हवाले से। आज 6 मई है, बरोज़ सोमवार का दिन है, हफ्ते का आगाज़ बाज़ाहिर तो अच्छा लग रहा है लेकिन गंदम की मार्केट के लिए तो अभी तक तो बुरा ही चल रहा है। आज भी गंदम मार्केट की बात करें तो गुज़श्ता पिछले 3 दिनों से गंदम की मार्केट में मुसलसल गिरावट आ रही है। आज भी मुख्तलिफ गला मंडियों के अंदर गंदम के टॉप रेट की और कम से कम रेट की बात करें तो आज मार्केट के अंदर गला मंडी उकाड़ा और गला मंडी समुद्री के अंदर कम से कम गंदम रेट 2800 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा रेट की बात करें तो 3050 रुपये तक फरोख्त हुई। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों की बात करें तो आज लाहौर 3000 रुपये से लेके 3150 रुपये तक फरोख्त हुआ। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो 3300 रुपये तक टॉप रेट रहे लेकिन पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अक्सरियत के साथ जो रेट हैं वो तकरीबन 2800 रुपये से लेके 3000 रुपये तक किए हैं और ऊपर से पास्को ने भी अपनी खरीदारी अब बंद कर चुके हैं और मुसलसल इस वक्त जो गंदम की मार्केट है उसकी पूरी पूरी मोनोपोली इस वक्त फ्लोर मिल्स के हाथ में आ चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें आज मक्की के हवाले से तो आज मुख्तलिफ कैटेगरी के हिसाब से अगर मकई की बात करें तो ओवरऑल नई मक्की की मार्केट में आज हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। मजमू तौर पर डैमेज और वंडा क्वालिटी मक्की की बात करें तो आज 1400 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक फरोख्त हुई। पुरानी मक्की की बात करें तो आज 1800 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक फरोख्त हुई और नई मौसमी मक्की की बात करें तो अच्छी टॉप क्लास VIP माल जो है आज 2300 रुपये तक गला मंडी उकाड़ा और गला मंडी समुद्री के अंदर फरोख्त हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें सरसों के हवाले से तो आज मार्केट में नई और पुरानी सरसों की बात करें तो नई सरसों 6000 रुपये से लेकर 6600 रुपये तक फरोख्त हुई जबकि पुरानी सरसों की बात करें तो 6400 रुपये से लेकर 6700 रुपये तक फरोख्त हुई। सरसों करोला की बात करें तो 6600 रुपये से लेकर 7200 रुपये तक फरोख्त हुआ। इसके अलावा अगर बात करें बाजरा के हवाले से तो बाजरा की मार्केट के आज कम से कम रेट 2600 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा रेट की बात करें तो 2800 रुपये तक फरोख्त हुआ। इसके अलावा अगर बात करें तिल और तिली के हवाले से तो मजमूई तौर पर गुज़श्ता 3-4 दिन पहले तिल और तिली की मार्केट बिल्कुल 16500 रुपये पर पहुँच चुकी थी। अब दोबारा फिर 1000 रुपये की तेज़ी के साथ तिल मार्केट 15500 रुपये से लेकर 17500 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर आपने तिल अपने फरोख्त करने हैं तो इस वक्त मंडियों के अंदर ड्यू पेमेंट पर भी 2 महीने या 1 महीने के टाइम फ्रेम पर आपको तिल जो है 18500 रुपये तक भी बिकते हुए नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें लाल ज्वार के हवाले से तो आज मार्केट के अंदर लाल ज्वार की मार्केट में दोबारा फिर मंदी आ चुकी है। आज भी गला मंडी उकाड़ा और गला मंडी समुद्री में डबल छाना लगाकर लाल ज्वार 5200 रुपये तक टॉप रेट रहे और गाड़ियों के हिसाब से लोड माल जो है 4800 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक फरोख्त हुआ। अब बात करते हैं मुंजी के हवाले से। इस वक्त मुंजी की मार्केट की बात करें तो अभी तक जो पेमेंट इशू है वो रिसॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा। जो चावल पहले बिके थे अब तक उनकी रिकवरी ना हो सकी जिसकी वजह से इस वक्त बेसिकली जो है मुंजी मार्केट के ऊपर काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। आज रेट की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकाजात के अंदर आज सुपरी जो है तकरीबन 3800 रुपये से लेकर 3900 रुपये तक फरोख्त हुई। 15-09-16-92 की बात करें तो कटर वाला और हाथ वाले माल की बात करें तो कम से कम रेट 4400 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा रेट की बात करें तो 4700 रुपये तक फरोख्त हुई। कैनात 11-21-17-18 की बात करें तो खुश्क और कटर वाले माल की तो मार्केट में आज 4500 रुपये से लेकर 4900 रुपये तक टॉप रेट रहे और सुपर 515 की बात करें तो आज 4200 रुपये से लेकर 4600 रुपये तक फरोख्त हुई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।